हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे डीसी ड्राइव की ऑटो ट्यूनिंग। ऑटो ट्यूनिंग ऑफ सीमेंस डीसी ड्राइव 6RA70। यह एक सीमेंस की 6RA70 डीसी ड्राइव है। 6RA70 सीमेंस की डीसी ड्राइव की ऑटो ट्यूनिंग या ऑप्टिमाइजेशन 4 स्टेप्स में की जाती है। ड्राइव में आप देख सकते हैं एक डिस्प्ले आ रहा है जिसमें 3 कीज हैं, 3 एलईडी लाइट्स हैं। इसको हम सिंपल ऑपरेटर कंट्रोल पैनल PMU या पैरामीटराइजेशन यूनिट बोलते हैं। सिंपल ऑपरेटर कंट्रोल पैनल माउंट होता है हमारे कन्वर्टर के डोर में, जो कि हमें फ्रंट में ही दिखता है। इसमें 5 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, 3 स्टेटस डिस्प्ले एलईडीज होती हैं, 3 की होती हैं जिसमें पी की से हम पैरामीटर मोड, वैल्यू मोड, इंडेक्स मोड और फॉल्ट को एक्नॉलेज करते हैं। अप की से और डाउन की से हम वैल्यू को वैल्यू मोड में कम ज़्यादा करते हैं। कंट्रोल पैनल में या PMU में 3 LEDs होती हैं, रन, रेडी एंड फॉल्ट। आइए फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। फ्रेंड्स, ऑप्टिमाइजेशन से पहले एक बात नोट करनी बहुत ज़रूरी है, हमारी ड्राइव ऑपरेटिंग स्टेट में होनी चाहिए। की पैरामीटर P051, इस पैरामीटर को हम लॉक अनलॉक पैरामीटर भी बोलते हैं। P051 को हमें सेट करना होगा 25, 26, 27, 28। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लाइव ड्राइव पर कि हम पैरामीटर P051 तक कैसे जाएंगे। सबसे पहले हम P की को दबाएंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके अप की से हम पैरामीटर को स्क्रॉल करते हुए P051 को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। P051 के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं 0, 6, 7, 9, 21, 22, 25, ये हमारे पहला ऑप्टिमाइजेशन का नंबर है। 26 ये सेकंड का है, 27 ये थर्ड का है, 28 फोर्थ का है, 29 40 एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इससे हम पैरामीटर को चेंज करने का एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात नोट और करें, ऑप्टिमाइजेशन रन हमारा एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही परफॉर्म होगा। पहले P051 25, सेकेंड P051 26, थर्ड पे P051 27, फोर्थ एंड लास्ट P051 28। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं।
अब हम देखेंगे कि हमारी स्टार्ट कमांड आने पर क्या होता है। जैसे ही हमारी स्टार्ट कमांड आती है तो हमारा ऑपरेटिंग स्टेटस रन में आ जाता है और ऑप्टिमाइजेशन हमारी एग्जीक्यूट यानी स्टार्ट हो जाती है। PMU यानी हमारे डिस्प्ले पे हमें दो डिजिट्स दिखाई देंगी जो कि सेपरेट होंगी एक बार के निशान से। यह दो डिजिट हमारे इंडिकेट करती हैं हमारे करंट के स्टेटस को।